हेलो रन, माय नेम इज गिनी एंड यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीगार एक्सेसरीज करमपुरा न्यू दिल्ली। आज की वीडियो जितना हम शूट करते हुए खुश हैं उतना इस कार में काम करते हुए भी थे, बिकॉज जो इस कार जो आज हमारे सामने देख रही है ये CH नंबर चंडीगढ़ नंबर कार है, बेसिकली टेम्परेरी नंबर है ये। अब इस नंबर के पीछे, इस कार के पीछे एक स्टोरी ऐसी है कि जिनकी कार है वो गुजरात रहते हैं, गुजरात में उन्होंने बुकिंग कराई, उनको बुकिंग नहीं हुई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। उसके बाद उन्होंने पंजाब से ये कार बुक कराई और उन्होंने बोला यार मैं बड़े लंबे टाइम से आपकी वीडियोस देख रहा था, इवन नाइट एडिशन भी बुक कराई हमारी नाइट एडिशन की वीडियो देखने के बाद। फिर वो चंडीगढ़ से बाय रोड दिल्ली आए, अब दिल्ली से बाय रोड गुजरात वापस जाएंगे और यहाँ आने का मकसद कहते हैं यार मैं काम कहीं भी करा सकता था, काम तो मतलब मैं दिल्ली में भी और बहुत सारी जगह या फिर कहीं पर भी करा सकता था, बट वो कहते हैं एक ट्रस्ट लेवल जो हमारा आपके लिए बन चुका था बस वही हमने कमाया हुआ है। इस वीडियोज़ के थ्रू आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे पे ट्रस्ट करते हो, और एक होता है ना कि यार एक रिलेशन बिल्ड हो चुका है कि भाई हम आपकी कार्स में काम करते हैं या फिर किसी और की कार में काम करते हैं तो वो आप देखते हो और उसको पसंद करते हो, उसके बाद अपनी कार में भी उसको अप्लाई करते हो। तो सेम यहाँ पर हुंडई का ये नाइट एडिशन मॉडल है जो एक बेसिकली सनरूफ के साथ आ जाता है, और मतलब इस कार के अंदर सब कुछ है, हुंडई सब कुछ आपको देती है, म्यूजिक सिस्टम, सनरूफ, लेकिन 16 इंचज़ की अलॉय व्हील्स देती है, ORVMs नहीं देती है, सीट्स ब्लैक हैं बट लेदर राइड नहीं है, और साउंड प्रूफिंग नहीं है। उसके बाद जब मोस्ट मिसिंग आइटम एम्बियंट लाइट नहीं है, तो ये कार है तो वैसे बहुत अच्छी, बट ये कंप्लीट कब होती है, ये कंप्लीट होती है जब ये हमारे पास आती है। लाडीगार एक्सेसरीज दिल्ली में करमपुरा में आज हम आपके सामने नाइट एडिशन प्रेजेंट कर रहे हैं। इस कार की फ्रंट लुक, इसके अंदर ब्लैक कलर की ग्रिल, ब्लैक कलर की स्किड प्लेट लगकर आती है, ट्रायो हेडलाइट्स लगकर आती है, बट क्या नहीं लगकर आती, इसकी फॉग लैंप येलो आती है, तो हम लोगों ने इसके अंदर हाई पावर LEDs डाल के सो दैट नाइट में और आपको अच्छी ड्राइविंग आप एक्सपीरियंस कर सको, हमने इसके अंदर फॉग लैंप्स लगाए हुए हैं। ये बेसिकली प्लग एंड प्ले फॉग लैंप्स होते हैं, मतलब फॉग लैंप्स तो लगे हुए हैं, बेसिकली प्लग एंड प्ले LEDs होती हैं जो सिर्फ आपके पुराने होल्डर्स पे ही लगने के बाद उसको हम फिट कर देते हैं और एक आपको अच्छा नाइट में एक्सपीरियंस मिल जाता है अपनी कार को ड्राइव करने के लिए, जो फर्स्ट एक एक्सेसरी हमने लगाई हुई है। अब अगर सेकंड एक्सेसरीज की बात करता हूँ, जो इस साइड में अगर आप आ जाओ, आउटर में सर ने बोला मुझे क्रोम कुछ नहीं लगाना, अदरवाइज मैंने हैंडल भी बोले थे उनको कि आप टॉप मॉडल लगाइए, उन्होंने बोला नहीं मेरे को ब्लैक ही रखनी है सारी। ये कार के अंदर स्पीकर्स ऑलरेडी लगकर आते हैं बट इतने अच्छे स्पीकर्स नहीं आते हैं, हमने अपग्रेड नहीं करे हैं, आपके ऑप्शन है अपग्रेड करने का, हम आपको सजेस्ट जरूर करते हैं, बट हमने इसके अंदर साउंड प्रूफिंग की हुई है, इसके अंदर हमने डैम्पिंग की हुई है, टू लेयर बेसिकली ये कार डैम्प है डॉक्टर आर्टिस्ट की डैम्पिंग के साथ, विच इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड कार एक्सेसरी टू एवरीवन, चाहे ई मॉडल हो, चाहे SX हो या फिर ये नाइट एडिशन हो हमारा, तो हमने एक इसके अंदर डैम्पिंग की है। थर्ड एक्सेसरी हमने जो इस कार के अंदर लगाई हुई है, इस कार के अंदर जो मिरर है वो नॉर्मल मिरर्स लग कर आते हैं, इलेक्ट्रिकल मिरर्स नहीं आते हैं, तो हम लोगों ने इसके एग्जिस्टिंग पैनल पे कट करने के बाद क्रेटा का ओरिजिनल स्विच लगाया और ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स लगाए हुए हैं, विच इज़ एन प्लग एंड प्ले एक्सेसरीज, बट उसमें आपको मिरर्स चेंज कराने पड़ते हैं और ये अंदर का स्विच को भी चेंज कराना पड़ता है, और इसमें आपकी जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल पहले की तरह ही रहती है जो आप मिरर्स को एडजस्ट करते हो, बट फिर भी आप जब लॉक एंड अनलॉक करोगे तब भी आपके मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। थर्ड एक्सेसरी की तरफ आते हैं जो इंटीरियर में आपकी आ जाती है, इस कार के अंदर स्कफ प्लेट्स और द मोस्ट लवेबल एक्सेसरीज ऑफ दिस टाइम हमने इस कार के अंदर लगाई हुई है द एक्टिव एम्बियंट लाइट, एक ऐसी चीज़ जो आप अगर अपनी कार में लगाते हो तो आपकी कार का पूरा एटमॉस्फेयर आप इससे चेंज कर सकते हो, सेट ऑफ 18 पीसीस के अंदर आती है, और सिर्फ क्रेटा के अंदर क्या खास बात है कि जो इसके फ्रंट में डैशबोर्ड के पीसीस है ना वो इसके ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाते हैं, कि अगर आप देखोगे तो आपको कहीं से भी विजिबल नहीं होगी, अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो डे मोड में आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने एम्बिएंट लाइट लगाई भी हुई है या नहीं लगाई हुई है, तो इतना इसका अच्छा एक आपको फिटमेंट मिल जाती है, प्लस आपको जो डोर्स के नीचे की फिटमेंट भी मिलती है, बॉटल होल्डर्स और कैच कवर के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है, तो ये भी हम आपको ज़रूर आपकी क्रेटा के लिए रिकमेंड करते हैं, या फिर कोई भी आपकी ऐसी कार हो तो हम उसके लिए आपको रिकमेंड करते हैं आप एक्टिव एम्बिएंट लाइट ज़रूर लगाएं। अब आते हैं फोर्थ एक्सेसरी की तरफ, इसके अंदर हम लोगों ने सीट कवर्स लगाए हैं ऑटोफॉर्म के, विच इज़ अ ब्लैक सॉफ्ट सिल्क नापा मटेरियल, और स्टेयरिंग रैप भी हमने बिल्कुल मैचिंग वैसे किया हुआ है। फुल बकेट फिट में आपको सीट कवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्लैक विद द रेड कलर की स्टिच के साथ ये सीट कवर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेम हमने इसके अंदर स्टेयरिंग भी रैप किया हुआ है सो दैट आपकी जो एक ग्रिप है, क्योंकि इसके अंदर स्टेयरिंग रैप भी नहीं आता है, अगर आप इससे ऊपर वाला मॉडल होगा तो लेदर राइट स्टेयरिंग आएगा उसके अंदर, तो सेम हमने कुछ वैसी फील देने की कोशिश यहाँ पे की हुई है। लास्ट आइटम हम लोगों ने इस कार के अंदर फ्लोरिंग भी की हुई है, एक लेमिनेशन जो आपकी कार को डस्ट फ्री रखेगी और साथ में ईजी टू क्लीन, ईजी टू मेंटेन आपकी कार को रखती है। इतनी दूर से कस्टमर आए हैं, तकरीबन 1300 किलोमीटर की ड्राइव होगी उनकी जब यहाँ से वापस जाएंगे अब, तो कोई भी खासकर उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एक ऐसी सिंगल वायर या सिंगल एक्सेसरी भी ऐसी ना लगे जो उनको वहाँ जाके कोई तकलीफ आए, मतलब हम नहीं चाहते कभी भी कि यार
एक पॉइंट ऑफ एक्सेसरी भी वहाँ जाके उनको तंग करे और वो मतलब ऐसा होता ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई एक एक्सेसरीज कस्टमर चूज़ भी कर रहे हैं तो हम पहले अवेयर करते हैं कि सर आप ये ले लीजिए या ये छोड़ दीजिए, तो उसमें आपके लिए भी सही रहता है और हमारे लिए भी सही रहता है। तो कैसी लगी हुई एक्सेसरी ज़रूर बताना। इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी डू व्हाट्सएप अस, लोकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। अब एक छोटा सा रिव्यू उनसे भी लेंगे जो बड़ी दूर से हमारे पास आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी दूर से आए हैं लगभग को 1300 किलोमीटर दूर हमारे पास तो आए हैं, बट एक बड़ी लंबी जर्नी भी तय करी है, बिकॉज रहते गुजरात में, कार लेनी थी मिली नहीं गुजरात में, तो फिर पंजाब गए, वहां से लेके दिल्ली आए, अब दिल्ली से वापस जाएंगे गुजरात। तो एक छोटा सा रिव्यू कि इस जर्नी के बारे में बताओ और यहाँ पर जो 5-6 घंटे हमारे साथ बिताए उसके बारे में भी कुछ रिव्यू छोटा सा आपका। ये आपके यहाँ जो 4-5 घंटे बिताए तो हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ जो इन्होंने जो गाड़ी में काम करके दिया है ये प्रॉपरली काम करते हैं, एकदम जो जैसा जेन्युइन मटेरियल बोलते हैं ऐसा ही डालते हैं, और बिल्कुल एकदम बढ़िया सा काम है। और हमें भी यहाँ अच्छी तरह से रखा है, पूरा दिन खाना चाय वगैरह पूरी इन्होंने हमारी सेवा की है, उसके लिए हम इनको पूरा लाइक देते हैं। और वैसे तो गुजरात में भी क्रेटा मिलती है, लेकिन 5 मंथ का वेटिंग था। अच्छा, इसलिए हमारे किसी फ्रेंड की रेफरेंस से हम वहाँ से अमृतसर से हमने गाड़ी लिया, बाद में YouTube पे आपका वीडियो देखा हमने। तो आपको उधर कार कितने दिनों में मिल गया इधर बुक कराने? उधर तो एक वीक में, मतलब वन वीक में मिल गया, उसके बाद आपका वीडियो देखा YouTube में। अच्छा। हमने सोचा इधर आए तो देख लेते हैं नजदीक में कोई अच्छा काम करना है एक्सेसरीज वाला हो। अमृतसर में भी हमने ट्राई किया लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं, उसके बाद यहाँ आए, आपने तो खुश कर दिया, मजा आ गया। सही, तो दो कोई ऐसे वर्ड जो मतलब जो गुजराती में उधर के लोगों को बोलना चाहिए। मित्रों तमने जणावी दिए, मारू नाम भरतदान गढवी छे, हमरो नाम कैलाशदान गढवी छे, अमे गुजरात डिस्ट्रिक्ट कच्छ अने छेवाड़ो नो तालुको आपणो लखपत, त्यां मारू नानकडुं गाम छे श्यामजी कृष्ण वर्मा नगर, त्यांथी आव्या छे गाड़ी लेवा माटे पंजाबमां, अने पछी त्यां जईने अमे एवुं विचार्युं के चलो आपणे गाड़ी लीधी छे तो अहींथी ज एक्सेसरीज नो काम करावीए, एटले पाजी नो वीडियो जोयो अने पछी अहीं काम करावाया। खरेखर जोरदार काम करी आपे छे, હું તો બધાને જણાવીશ કે 15-20 હજારનો આપણે રનિંગનો ખર્ચો કરી અને અહીં કામ કરાવવા અવાય, બિકોઝ બહુ જ જે આપણે પાર્ટ નાખ્યા છે અંદર એકદમ સારી કંપનીના નાખ્યા છે, ફૂલી સેટિસ્ફેક્શન છે અમને, ફૂલી ફૂલી એકદમ ફૂલ, બહુ સારું જોરદાર કામ છે। અભી એક છોટા સા હ્યુમર હોયેગા જૈસે अभी सब बातों में मेरे को तो खाली सेटिस्फेक्शन समझ आया, तो फिर एंड में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बस एक होता है कि भाई एक प्यार से जो भी मतलब होता है ना कि हम जितना किसी के लिए कर सके उतना ही थोड़ा सा कम रहता है, बस एक यही छोटी सी उम्मीद लेके काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।